हेलो फीफा लवर्स, वेलकम टू द शूटर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ फ्री फायर। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। एंड इस वीडियो के अंदर आप लोगों को एक बहुत ही बड़ा कमाल का न्यूज़ मिलने वाला है, जो कि है दोस्तों फ्री फायर ने कोलैब किया है मानी हेस्ट के साथ, जो कि एक बहुत ही बड़ा वेब सीरीज है, मतलब नेटफ्लिक्स का एंड आप लोग बोल सकते हो बहुत ही बड़ा एक कंपनी का वेब सीरीज है, ठीक है दोस्तों। एंड दोस्तों उसके साथ साथ जो चीज़ के ऊपर मैं बढ़ूंगा, मतलब आप लोगों को तो शायद ट्रेलर यहाँ पर देख ही लिए होंगे आप लोग कि फ्री फायर इंडिया ऑफिशियल में आ गया है ऑलरेडी ट्रेलर। तो मैं ट्रेलर के ऊपर यहाँ पर कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ दोस्तों, ट्रेलर के रिलेटेड मतलब ट्रेलर में जो जो चीज़ दिखाया गया है उसके रिलेटेड ही आप लोगों को मैं कुछ कुछ चीज़ आप लोगों को बताऊंगा, जो कि मेरे को लगता है कि गेम के अंदर शायद मानी हिस्ट के साथ कोलैब करने के बाद चेंजेस आएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग देरी ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस, क्या क्या न्यू थिंग्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए कम बकवास, लेट्स द वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं धासु एक ट्रेलर के बाद। एंड दोस्तों आप लोगों को मैं एक झलक उस ट्रेलर दिखा देता हूँ एंड ट्रेलर देखने के बाद आप लोगों को मैं बोलूँगा कि क्या क्या चीज़ मुझे लगता है जो कि आने वाला है नेक्स्ट टाइम ये जो मानी हेस्ट है इसके साथ कोलैब करने के बाद। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग ट्रेलर देख लेते हैं। तो दोस्तों ट्रेलर के बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं बताना है, मतलब धासु ट्रेलर है एंड जिसके साथ यहाँ पर कोलैब किया है फ्री फायर वाले ने, इस बार बहुत ही अच्छा एक कोलैब है मैं बोलूँगा, क्योंकि दोस्तों इस कोलैब के दौरान आप लोगों को बहुत सारी चीज़ मिलने वाला है। एंड शायद आप लोगों ने गौर नहीं की हो, वहाँ पर लास्ट में जो चीज़ दिखाया गया था, मैं आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर जूम करके दिखा रहा हूँ कि प्लान बरमुंडा आने के बाद यहाँ पर जो पिक्चर यहाँ पर दिखाया गया है, जो सिटी यहाँ पर दिखाया गया है, वो आप लोग थोड़ा गौर कीजिए। एंड दोस्तों यहाँ पर जो ऑफिशियल जो कोलैब है वो यहाँ पर बता रहा है कि सितंबर महीने में होगा, तो मतलब कि सितंबर महीने में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा ओबी 24 अपडेट। तो शायद यहाँ पर जो हिंट दे रहा है गरीना वाले कि ओबी 24 अपडेट के बाद यहाँ पर पूरा का पूरा जो बरमुंडा मैप में जो चेंजेस आएगा, जो जो न्यू न्यू सिटी आएगा, पहले भी लीक आया था टोक्यो न्यूयॉर्क, ठीक है, तो ऐसा करके बहुत सारा सिटी आएगा। एंड जब एडवांस सर्वर भी यहाँ पर चल रहा था तब भी मैंने बताया था आप लोगों को कि भाई पूरा का पूरा बरमुंडा मैप ही यहाँ पर चेंजेस होगा, क्योंकि 4 न्यू जो प्लेसेस यहाँ पर मैंने दिखाया था आप लोगों को उसका जो टेक्स्चर है वो बरमुंडा मैप से बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं है। तो इसलिए मुझे जो लगता है कि शायद ओबी 23 अपडेट के दौरान यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्लास स्क्वाड में ही आप लोगों को बरमुंडा 2.0 मैप देखने के लिए मिलेगा। एंड ओबी 24 अपडेट आने के बाद, ओबी 24 अपडेट आने के बाद आप लोगों को पूरा का पूरा बरमुंडा मैप न्यू एकदम री इनोगेशन करते हुए नजर आया जाएगा, ये मुझे लगता है। अभी तक कोई भी कॉन्फर्म न्यूज़ नहीं है, अगर आप लोगों को भी यही लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इस वीडियो के अंदर। एंड दोस्तों सिर्फ और सिर्फ प्लान बरमुंडा नहीं है दोस्तों, इसके साथ साथ ये रिलेटेड मतलब मानी हिस्ट के रिलेटेड एक कैरेक्टर भी आएगा। एंड दोस्तों उसके साथ साथ बहुत सारे चीज़ आएगा, जो कैरेक्टर आ जाएगा ये तो कॉन्फर्म है, ठीक है, मुझे लीक आ गया है कि न्यू कैरेक्टर आएगा एंड न्यू ड्रेसेस तो आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है क्या नहीं, सिर्फ और सिर्फ वेट कर जाओ ओबी 24 अपडेट आने तक, ठीक है। शायद मुझे जो लगता है ओबी 23 अपडेट में आप लोगों को कुछ खास देखने के लिए नहीं मिलेगा मैप के ऊपर, तो ओबी 24 अपडेट बहुत ज़्यादा वाइटल है। तो देखते हैं दोस्तों ओबी 24 अपडेट तक वेट करके कि क्या आता है गेम के अंदर क्या नहीं। तो चले दोस्तों यही था वीडियो के अंदर, रुको जरा सबर करो। अरे दोस्तों आप लोगों को क्या लगा? सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो अपडेट अभी स्टार्ट ही हुआ है दोस्तों, मतलब यहाँ पर आप लोगों को जो गेम के अंदर दिखाई दे रहा है ना वॉल्ट,
मतलब एक बॉम्ब सा लगा हुआ है एंड उसके पीछे जो है एक वॉल्ट है, ठीक है। तो आप लोगों के मन में बहुत सारा डाउट है कि भाई इस वॉल्ट के अंदर से क्या चीज़ निकलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को वही चीज़ बताने वाला हूँ कि इस वॉल्ट के अंदर से क्या निकलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग पिक्चर देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर, इस वॉल्ट के अंदर से निकलेगा शायद, जो मुझे लगता है, अभी तक कोई भी कन्फर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन दोस्तों पिक्चर से आप लोगों को जो लगता है एंड मुझे भी वही लगता है कि दोस्तों न्यू जो मनी हेस्ट जिसके साथ फ्री फायर वालों ने कोलैब किया है, तो उसका ही कुछ वीडियो यहाँ पर आएगा एंड शायद यहाँ पर कुछ बंडल भी आप लोगों के सामने आ सकता है, ठीक है दोस्तों। एंड उसके बाद जो चीज़ आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा वो है न्यू मनी हेस्ट टॉप बंडल। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो एक मनी हेस्ट जो कि प्रोग्राम आता है नेटफ्लिक्स के ऊपर, बहुत ही एक पॉपुलर प्रोग्राम है, ठीक है। मतलब कि मैं रिसर्च करके देखा हूँ कि 2018 एंड 2019 का टॉप मोस्ट वेब सीरीज था ये मनी हेस्ट वेब सीरीज। एंड इसका जो टॉप मोस्ट बंडल है आप लोग देख सकते हो, क्रिमिनल बंडल टाइप का कुछ बंडल है। एंड मैं ये भी एक अपडेट मुझे मिला है कि 2018 में जब फ्री फायर गेम के अंदर इनक्यूबेटर के अंदर जब क्रिमिनल बंडल आया था वो भी इंस्पायर हुआ था यही मनी हेस्ट जो वेब सीरीज है इससे ही, ठीक है दोस्तों। एंड उसके बाद थर्ड नंबर जो चीज़ आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा वो एक बहुत ही खास चीज़ है, मतलब आप लोग यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो जो कि मनी हेस्ट से ही रिलेटेड है। एंड उसका ही स्किन आप लोग देख सकते हो, 3 न्यू पेट स्किन, ठीक है, जो कि हमारा ओटेरोस पेट है उसका भी स्किन है। एंड उसके साथ साथ न्यू कैट का स्किन है एंड न्यू पांडा का स्किन है, ठीक है दोस्तों। मतलब मुझे तो कैट का स्किन एंड न्यू पांडा का स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपडेट देने के लिए दोस्तों लाइक करो वीडियो को, जितना हो सके दोस्तों लाइक करो एंड अपने दोस्तों का शेयर कर दो वीडियो को, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो चीज़ आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा वो है थर्ड एनिवर्सरी वाउचर एंड मनी हेस्ट वाउचर, वो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो थर्ड एनिवर्सरी वाउचर यहाँ पर कुछ गोल्डन कलर का है, मतलब असल में सेकेंड एनिवर्सरी में जो आया था वो था डायमंड रॉयल का वाउचर। अभी तक मुझे जो पता चला है कि ये भी डायमंड रॉयल का ही वाउचर है। एंड यहाँ पर आप लोगों को थंबनेल के ऊपर जो जोकर वाला बंडल आप लोगों को दिखाई दिया था वो वाला जो बंडल है वो शायद यहाँ पर आने वाला है डायमंड रॉयल पे। एंड ये थर्ड एनिवर्सरी वाउचर से आप लोगों को स्पिन करना पड़ेगा डायमंड रॉयल के अंदर, ठीक है। एंड उसके बाद जो चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ वो है मनी हेस्ट जो वाउचर है आप लोग यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, वो शायद यहाँ पर मनी हेस्ट जो टॉप बंडल है उसको निकालने के लिए उसके ऊपर एक स्पेशल रॉयल आएगा एंड उसको निकालने के लिए ये वाउचर आप लोगों को शायद जरूरत पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद जो चीज़ के ऊपर मैं बढ़ जाता हूँ वो है गन स्किन। तो जी हाँ दोस्तों, इस कोलैब के बाद जो गन स्किन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा न्यू गन स्किन, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो पहले आप लोग देख सकते हो यहाँ पर स्किन के ऊपर जो कि है AN94 का स्किन, तो रेड कलर का AN94 का स्किन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। एंड उसके बाद जो चीज़ आप लोगों को मिलेगा वो है P90 का स्किन। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा फनी टाइप का है P90 का स्किन, मतलब उसके ऊपर पूरा का पूरा डॉलर लपटा दिया गया है। मुझे तो वही लग रहा है, आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड दोस्तों उसके साथ साथ पेन का भी स्किन यहाँ पर आप लोग स्किन के ऊपर देख सकते हो जो कि एक बहुत ही मुझे खास लगा है पेन का स्किन, ठीक है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड दोस्तों उसके बाद आप लोग देख सकते हो अपने स्किन के ऊपर न्यू बैकपैक का स्किन नॉर्मल वाला एंड दोस्तों उसके साथ साथ न्यू लूट बॉक्स का स्किन, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आने वाला है गेम के अंदर। एंड दोस्तों उसके बाद आप लोग देख सकते हो न्यू लॉबी, मतलब अभी जो गेम अपडेट के बाद आएगा उसके बाद और एक अपडेट जब आएगा मतलब सितंबर महीने में आप लोगों को ये जो लॉबी है ये आप लोगों को गेम के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। एंड दोस्तों बस अब वीडियो पूरा का पूरा खत्म हो गया है, ठीक है। मतलब अब कोई ऐसा नहीं है रुको जरा थोड़ा सबर करो ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। अब वीडियो खत्म हो गया है, तो बस यही बताना था दोस्तों आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर कोई सुझाव हो, अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी मुझको कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो, ठीक है दोस्तों। एंड दोस्तों अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों का शेयर करना एंड जो जो चैनल के ऊपर न्यू आए हो वो जो लाल वाले सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर देना एंड उसके बगल में जो बेल वाला आइकन आ रहा है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर सेट कर देना, नहीं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही अपडेट देना था, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।